अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिस्टर्स कैफ़े के एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ आपके सामने मौजूद हैं। एक और नया और दिलचस्प टॉपिक है और आज हम बात करेंगे नाज़रीन। इससे पहले जो है वो कहीं पढ़ी हुई एक बात, बड़ी खूबसूरत सी बात मुझे महसूस हुई और वो ये कि इंसान का बातिन, इंसान का अंदर का हाल जितना अच्छा, जितना खूबसूरत होता है, इंसान का दिल जितना खूबसूरत होता है, उसकी शख्सियत भी उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। इंसान का बातिन जो है अगर साफ़ सुथरा हो, चमकदार हो और खूबसूरत हो, तो उसकी खूबसूरती इंसान की ज़ाहरी शख्सियत पर भी ज़रूर आती है। हर इंसान ये चाहता है कि वो अच्छा लगे और अच्छा नज़र आए, लोगों से अच्छी तरह से मिले और लोगों पर अपना एक असर डाले। असर डालना, अपना इम्पैक्ट डालना, अपना जो है वो असर लोगों तक मुंतकिल करना और एक अच्छी चीज़ अपनी शख्सियत के हवाले से दूसरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी शख्सियत के अंदर अच्छाई है तो उसकी खुशबू जो है हर शख्स इर्द गिर्द महसूस करता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करेंगे आज फैशन के, स्टाइल, कल्चर एंड मॉडेस्टी के हवाले से कुछ बात करेंगे। कल्चरल ट्रेंड्स, फैशन के, स्टाइल के ट्रेंड्स क्या हैं जो हम अपने इस्लामिक बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनको हम जो हैं वो लेकर साथ चल सकते हैं, क्या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो लोगों के हैं और डिफरेंट कस्म के जो पर्सपेक्टिव, हर शख्स का अपना अलग कस्म का अंदाज़ होता है सोचने का, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हम भी कुछ बात करेंगे और साथ में आप भी हमारे साथ शामिल होइएगा अपनी कॉल्स के ज़रिए से और हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ऐमन। सूफिया मौजूद हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम ऐमन। एंड शुमाइला मौजूद हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, अपने इन पार्टिसिपेंट्स के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले जो है हम इस टॉपिक के हवाले से एक वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, उसको देखते हैं और फिर जो है वो दोबारा हम इस पर बात करेंगे कि हमने आज के प्रोग्राम के हवाले से जो डिस्कशन करना है। कहते हैं खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। इस मुहावरे को हम आसान उर्दू में यूं कहेंगे, खाइए वो जो आपका जी चाहे, लेकिन पहनिए वो जो सबकी नजरों को भाए। यूं तो सभी मुनफरिद और खूब से खूबतर नजर आने की कोशिश में मसरूफ होते हैं और हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो हर आने वाले फैशन को सबसे पहले अपनाते हैं, चाहे वो उन पर अच्छा लगे या ना लगे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फैशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, वो अपने आप में ही मगन रहते हैं, दोनों ही सूरतों में एतदाल कायम नहीं रह पाता। बदलते हुए वक्त के साथ फैशन को इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं, असल बात ये है कि वो फैशन आपके मिजाज और कल्चर से भी मुताबिकत रखता हो। सवाल ये है कि क्या सादगी के साथ हम अपने कल्चर में रहकर फैशन कर सकते हैं? नाज़रीन, यहाँ पर ये वीडियो क्लिप आपके सामने आई और हर शख्स का सोचने का अलग और मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, एक यूनिक स्टाइल होता है हर एक का सोचने का, इसी तरह से एक यूनिक और मुनफरिद अंदाज़ होता है आपके पहनने का, उड़ने का और आपके रहने सहने का। इस पर हम बात करेंगे कल्चर के हवाले से कि कल्चर या सकाफत जो होती है वो इंसान के ऊपर कितना असर डालती है, अगर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इस पर बात करते हैं हम। इमन, आप सही कह रही हैं, जो कल्चर, इनफैक्ट कल्चर है क्या, कल्चर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का उठना बैठना, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की उनके खाने पीने, ये सब हमारी इसमें, ये सब कल्चर का हिस्सा होते हैं और बीइंग उस सोसाइटी का हिस्सा हम भी अडॉप्ट करते हैं। ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली वो चीज़ें हमारे अंदर भी आती हैं, आना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं माइग्रेशन में लोग इंडिया से पाकिस्तान आए, डिफरेंट कल्चर में आए, लोग मुख्तलिफ पाकिस्तान से या इंडिया से और पार्ट ऑफ वर्ल्ड से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड गए, वहाँ पर भी डिफरेंट उनको मुश्किलात आई या डिफरेंट कल्चर्स को उन्होंने देखा, तो ये आहिस्ता 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 टाइम गुजरता है और वो चीज़ें हम पर आती हैं और ये नेचुरल है। बिल्कुल ठीक। सोफिया के मौसम के एतबार से भी कुछ चीज़ें आपके लिबास में शामिल हो जाती हैं, आपके लिबास में, आपके खानों में शामिल हो जाती हैं। सोशल बिहेवियर का नाम बेसिकली कल्चर है। बिल्कुल, यानी जो भी जगह, जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर जिस तरह का माहौल है, वेदर है या और वहाँ के, यानी कहना चाहिए कि एक एरिया की सकाफत पहले क्या रही है, उससे भी बड़े गहरे असरात होते हैं। जैसे आपने कहा कि पार्टीशन के बाद जो है तो उसमें ऑब्वियसली हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में मिलना जुलना रहना जहना था, तो उससे भी आपस में ताल्लुकात और असरात आते हैं। कुछ कहना चाहेंगी सईदा? जी, आई थिंक वही कल्चर हम
हम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना. हमारा मतलब हर हमारा स्टाइल ही बदल जाता है जी. तो हम जब दूसरे कंट्री आते हैं, जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान या कहीं और से जब हम यहाँ यूके आते हैं, तो हमारा स्टाइल, तो हम समझते हैं कि जो हम वहाँ पे जो हमारा कल्चर था वो ही सही है. तो हमें ऐसे लगने लगता है जैसे कि यहाँ पे जो भी स्टाइल है वो हम अडॉप्ट ईजिली नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक स्टाइल से यूज्ड टू हो जाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, मेरे जहन में ये आ रहा था कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स के हवाले से आप देखें कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये दो टर्म्स जो हमारे सामने आती हैं, एक ईस्टर्न कल्चर है, एक वेस्टर्न कल्चर है, और दो अलग अलग दुनियाएं हैं. तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इनके दरमियान भी आपस में एक रहा है ना कॉम्पिटिशन? एमन, अगर हम ये अभी ये ना कहें, ये मेरी अगर मेरी आप आइडियोलॉजी देखें, तो मैं तो कुरान की वो आयत उठाती हूँ कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि सब कुछ मशरिक़ व मगरिब सब अल्लाह का है. तो जब मशरिक़ व मगरिब सब अल्लाह का है, तो यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टाइल से हम थोड़ा सा हट जाते हैं. अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टाइल को हम ये देखें कल्चरल वाइज देखें तो ओके है जी. लेकिन अगर हम बीइंग अ मुस्लिम देखें, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, पूरे कायनात जब अल्लाह ताला की है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जो एक एक कल्चर या एक इम्पैक्ट को लेकर आए हैं हमारी ज़िंदगियों में, तो हमें वहाँ पे ये चीज़ से देखनी है कि हम अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, या क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं ना कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह के, बस अपने आप को, अपनी ख्यालात को, अपनी सोचों को, अपनी ख्वाहिशात को बेच दिया है. हमें तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है. तो हम ये देखें, अब हमें यहाँ पे कल्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे ईमान की आ जाती है कि हमारा ईमान क्या कहता है जी, कि हम क्या चीज़ को अडॉप्ट करें और क्या चीज़ को ना करें. बिल्कुल. अच्छा जी, अभी सोफिया बच्ची ने कहा कि कल्चर में वो चीज़ जो मैं बिलीव करती हूँ कि जो दीनी आपकी रवायात होती हैं, दीनी अकदार होती हैं, वो भी आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं. तो बेशक आप अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो अगर ईस्टर्न में ज्यादा अगर आपको लोग कवर्ड नजर आते हैं, तो उसकी वजह मज़हब ही है. मज़हब से ही वो चीज़ें ड्राइव होती हैं और फिर कल्चर का हिस्सा बन जाती है. और सिर्फ इस्लामिक कल्चर नहीं, इस्लामिक सकाफत नहीं, बल्कि और दीगर मुख्तलिफ सकाफतें भी हमें नजर आते हैं कि उसके अंदर. अच्छा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा आगे बढ़ रही है और नई नई चीज़ें दुनिया में नज़र आ रही हैं आजकल और कल कुछ, तो मुझे लगता है कि शायद इतनी तेज़ी के साथ ये स्टाइल, ये फैशन, ये ट्रेंड्स, ये भी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं. ये जो सईदा ने बात की ना कि एक इंसान के दिमाग में होता है कि मैं चूंकि इस कल्चर में ब्रॉट अप हुआ हूँ, तो वो साथ साथ लाइफ में आपके आगे चलता है, आप यूज्ड हो जाते हैं ना उस चीज़ के, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, और ये नेचुरल है आपकी शख्सियत का हिस्सा है, ह्यूमन बिहेवियर है जिसे कहते हैं. कि जब आपको जो आपके अपने ख्यालात होते हैं, उसको हम उस मंतक के एतबार से बेशक उसको जज ना करें कि वो ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके अपने ख्यालात होते हैं, तो आप उसके आपको अपने वो अजीज होते हैं वो ख्यालात, क्योंकि उनमें उन्हीं में आप बड़े हुए होते हैं, तो वो आपके आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं. अच्छा, और एक चीज मुझे ये भी लगती है कि कल्चर्स भी जो है ना, एक समझे पूरा नेशनल लेवल पर एक कल्चर है, या एक पूरे जैसे सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है, इसी तरह से कम्युनिटीज़ के अपने भी कुछ कल्चर्स होते हैं. आप किधर से ताल्लुक रखते हैं, आपका कल्चर अलग है, ये मुझे लगता है मुख्तलिफ अब जैसे आप मिसाल ले लें, हम बैक टू होम नहीं होना चाहते, लेकिन फिर अगेन कि अब पाकिस्तान में आप देखें सिंधी, बलोची, इनके अपने अपने पहनावे हैं, उनके अपने खाने हैं, उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं. उसी तरह इंडिया में कई लैंग्वेजेस, कई कल्चर्स आबाद हैं. इसी तरह यूके में हमारे यहाँ देखें स्कॉटलैंड का कल्चर, उनके पहनावे, उनके उनके ड्रेसेस डिफरेंट होते हैं थोड़े हमसे, यानी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का एक अपना हिसाब किताब है, मिजाज है, क्योंकि इंग्लैंड में लोग ज्यादातर माइग्रेट करके आए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स लेकर आए हैं, तो उन्होंने भी इस पे काफी इम्पैक्ट डाला. बिल्कुल. और मुझे लगता है बल्कि अगर इसको और नैरो करें, तो कभी कभी आपके अपने खानदान का भी एक कल्चर होता है ना, इस तरह से पहनने का, उड़ने का, रहने सहने, खाना बनाने और डिफरेंट चीजों का अपना स्टाइल है, तो वो भी आपके साथ साथ आगे चलता है. क्यों शुमायरा? बिल्कुल बिल्कुल. इसमें मैं तो बिलीव करती हूँ कि जो चीजें आप अपने घर में जो चीजें सीखते हैं, वो डेफिनेटली आप आगे भी पोर्ट्रे करते हैं. आप ये कहते हैं कि मेरी नानी या मेरी दादी ने ये किया था, वो इस तरह ओढ़ा करती थी, इस तरह पहना करती थी, तो वो आप अपने बच्चों में भी समटाइम्स करना चाहते हैं. हालांकि अब जरा टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न हो गए हैं लोग, तो थोड़ी सी चीजें चेंज भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी अपनी अकदार पे अमल करना, बहुत से लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि नहीं, हमारी वैल्यूज इस तरह की हैं, खानदानी रवायात हैं, तो हमें उनको फॉलो करना. मतलब वैल्यूज और कल्चर जो है वो लोग इसलिए साथ लेके चलना चाहते हैं कि शायद, मेरा ही ख्याल ये है कि शायद वो उससे अलग होने से डरते भी है ना, कि लोग क्या कहेंगे और कोई क्रिटिसिज्म ना हो हमारे ऊपर. नाज़रीन, यहाँ पर हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमारी लाइव कॉल्स खुली हुई हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं और अपना
जो भी ओपिनियन है वो हमसे शेयर कर सकते हैं, या कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो जैसे अमन अभी आपने कहा कि इंसान डरता है कि कोई वियर्ड चीज़ करने से जो इर्द गिर्द के माहौल में नहीं होती, तो मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च में नज़र से गुजरी, उसमें कुछ इस तरह से था कि ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया और उनको एक टास्क दिया गया कि वो एक लाइन की लेंथ बताएं कि वो लाइन की लेंथ कितनी है। तो उसमें डिलिब्रेटली एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप इसकी लाइन की आपने जानबूझ के उसकी गलत मेजरमेंट लेनी है और वो अनाउंस करनी है क्लास में। तो जब उन्होंने अनाउंस की तो जो लोग ठीक मेजर कर रहे थे उन्होंने भी अपने जवाब छुपा लिए और कहा कि हाँ ये उतनी ही है जितनी मेजोरिटी लोग कह रहे हैं। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब ज़्यादातर लोग किसी बात से अग्री हो जाएं तो आप बेशक ठीक हो गलत हो आप काइंड ऑफ उनसे अग्री करने लग जाते हैं। तो इस तरह से भी फैशन बहुत सी चीज़ों में यू नो प्रिवेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता था कि जैसे फटी हुई जीन्स का जो फैशन है सोफी भाजी आपने देखा होगा कि वो कभी भी मेरी ममता के हिसाब से मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन वो कितना कॉमन हुआ है। क्योंकि फिर लोग अब नॉर्मल जीन्स पहनते हुए लोग अपने आप को फैशनेबल नहीं समझते जब फटी हुई जीन्स के साथ ज्यादा, क्योंकि वो सबको सब में वो पॉपुलर हो चुकी है। बिल्कुल, इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है और वो ये सवाल है कि इट मीन्स कि कैसा भी फैशन हो कैसा भी स्टाइल हो लेकिन इर्द गिर्द अगर वो बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका भी दिल चाहने लगता है कि आप उसको उसके ही जैसे करना शुरू कर दें। आई थिंक हम ये समझते हैं कि फैशन वो है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कर रहे हैं, पर आई थिंक फैशन एक हर एक का अलग स्टाइल होता है ना, हर एक यूनिक स्टाइल होता है, मेरा भी डेवलप कर सकते हैं अपना एक। बिल्कुल, और इसके अलावा जब फैशन असल में हम फैशन को समझने से पहले फैशन करना शुरू कर देते हैं। फैशन इनफैक्ट है क्या? फैशन है बैलेंस, बैलेंस का नाम है कि आपने किसी ने कोई चीज़ निकाली और वो बहुत बैलेंस्ड है तो वो सबको पसंद आने लगती है, हर एक की आंखों में वो भाने लगती है क्योंकि वो बैलेंस्ड है। अब मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह मियां ने भी देखे ना हमें कितना बैलेंस्ड बनाया है, हर चीज़ अपने जगह पे बनाई है, तो उसी तरह अगर हम फैशन में वो कोई भी चीज़ ऐसी है जो बैलेंस्ड है वेल बैलेंस्ड है वो सबको पसंद आएगी। अगर जो चीज़ हाँ जैसे एक एक्सपेक्ट है कि नहीं हम जो सबको पसंद आ रही है वो मुझे भी पसंद आए, तो वो जो मुझे तो उस लिहाज से लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक का इंसान की एक शख्सियत है और अपनी शख्सियत के साथ फैशन करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े सामने आते हैं, एक फैशन है, ट्रेंड है, स्टाइल है। मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन वहाँ पर होती है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है आप हम उसको फैशन समझ कर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो आपको सूट कर रहा हो या ना कर रहा हो। सभी सोफिया बजने का कि बैलेंस का नाम है, अगर वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है तो वो आप उसमें फैशनेबल नहीं लगेंगे, इसलिए अपने कम्फर्ट के हिसाब से अपनी वैल्यूज के हिसाब से और वेदर और बहुत सारी और चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से फैशन को अडॉप्ट। बिल्कुल, अच्छा यहाँ पर अगर हम जो हैं वो अपने नाज़रीन के लिए भी खुद भी हम ये बात डिस्कस करना चाहें कि एज अ मुस्लिम अगर हम देखना चाहें ना तो हमें कितनी इजाज़त है फैशन जो है जिसको हम स्टाइल कह रहे हैं और जिसको हम ये कह रहे हैं कि हर पर्सनालिटी जो है उस वो चाहती है कि अपने आप को हर इंडिविजुअल अपने आप को ग्रूम करे अपना आपको अच्छा दिखाए, कितनी इजाज़त है हमें, क्या हमें इसके हवाले से मिलती है? देखें इमन अल्लाह ताला तो खुद जमाल है और खुद क्या मैं कहती हूँ कि जमील है और अल्लाह का नाम भी है, खूबसूरती को पसंद करता है, जमाल को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला अगर हम अभी फैशन ट्रेंड इन सब से हट कर बात करें, अभी हम अपेरेंस की बात करते हैं कि हमारा अपेरेंस कैसा होगा कि हम कैसे अच्छे लगें, ठीक है? अगर इस हद तक की बात है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज़ के लिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मस्जिदों में भी आओ तो अपने हुलिये दुरुस्त करके आओ, शोहरों को बीवियों के पास, बीवियों को शोहरों के पास जाने की जो हिदायत है जो, तो उसमें भी है कि अपने आप को अच्छा खुशबूदार और प्रेजेंटेबल करके जाओ, नफासत क्लीनलीनेस हर चीज़ उसमें आ जाती है ना, हर चीज़ जो चीज़ साफ़ सुथरी होगी वो दिखने में भी अच्छी लगेगी, जो चीज़ बैलेंस्ड होगी वो दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा तो दीन टोटली फ्रॉम स्क्रैच से वो ऐसा ही है कि उसको पसंद है जमाल। तो अब हम अगर इस बात पे पॉइंट पे कहें कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह हिदायत हैं लिबास के बारे में कि अपने जब हुजूर अल्लाह ताला नबी को हिदायत कर रहे हैं कि अपनी बीवियों को और अपनी और मोमिन औरतों को ये बातें बताएं, और वो मेरे ख्याल से वो पांच बातें हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आप नोट करें सोफी भाई जी कि कोई सर्टन लिबास नहीं प्रिस्क्राइब किया गया, कोई सर्टन लिबास नहीं प्रिस्क्राइब, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए बस वो, हाँ
ड्रेस कोड्स है हमारे पास। ठीक है, अच्छा सुफीवा जी, आपकी बात से ये बात समझ में आती है कि आपको साफ सुथरा डिसेंट होना और अच्छा नज़र आना, अच्छा नज़र आने से मुराद ये नहीं है कि आपके साम आपकी पर्सनालिटी या पेरेंट्स जो है उसमें कोई बहुत ही आप यानी ऐसा कहना चाहिए कि चमकती दमकती कोई चीज़ पहने जब भी आप सबको नज़र आए, बल्कि ये कि आपको डिसेंट नज़र आना हमारे रिलीजन की रूह से एक अच्छी चीज़ है, बल्कि इसकी तलकीन की गई और वही चीज़ है कि हाफ ईमान जो है वो सफाई पर है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर जैसे हो जाते हैं ना अपने घर के या फिर हमारे कम्युनिटी के सोसाइटी के, तो हम जब अच्छा ड्रेस करके डिसेंटली या जैसे भी हमारे साल में जैसे डिसेंटली हम ड्रेस करके बाहर जाते हैं तो फिर तब लोग देखते हैं और फिर जब दूसरे घर वाले भी वैसे ही डिसेंटली या फिर नो वैसे एक इम्पैक्ट आपके घर के दूसरों पे भी आता है, तो आपके नेबर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है ना कि देखो ये घर से ऐसे लोग हैं ऐसे ड्रेस करते हैं ऐसा इनकम है, तो फिर वैसे ही आई थिंक कम्युनिटी में फिर सोसाइटी में फिर एक इमेज पोर्ट्रे हो जाता है ना। जी अच्छा, मुझे एक और पॉइंट समझ में आ रहा है कि इट मीन्स के जो एक शो ऑफ होता है, यानी हम समझते हैं जो इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं या हम जैसा नज़र आए दूसरों को अच्छे लगे, दूसरों की बहुत फिक्र होती है हमें, लेकिन एक चीज़ इस्लामिकली जो हमें मिलती है कि आमाल का दारोमदार नियत पर है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो कहते हैं ना तफाखुर का लिबास, तफाखुर का लिबास, फिर प्राइड आप गुनाह आप मतलब एरोगेंस, यानी अगर आप स्टाइल ले रहे हैं, अगर आप ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमती चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें उसके पीछे आपकी ये नियत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि ये कोई शो ऑफ है, मैं तो बहुत चीज़ हूँ जी, और या मेरे मैं बहुत ही ऊंची चीज़ों एक जहन में आ जाता है। और ये चीज़ नेचुरल भी है कि लोग जब हम बहुत अच्छे से होते हैं तैयार होते हैं तो फिर लगता है कि आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो फिर लगता है कि हाँ हो तो, लेकिन ये चीज़ को हमें उसी वक्त किल करना होता है। ये होता है, ये नेचर है, ये आना है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम उसी उस आइडिया को ऑन द फर्स्ट प्लेस ही किल कर। बिल्कुल सूफिया जी, एक और बात मेरे माइंड में आ रही थी कि इट मीन्स के जो पर्सनालिटी का स्टाइल है वो कॉन्फिडेंस है ना, यानी आप चाहे अपने आप को पूरा छुपा कर अच्छे तरीके से जिस भी कलर का आप ड्रेस पहनना चाहें ये आपका अपना स्टाइल है, और जो कोई और उससे थोड़ा सा मीडियम लेवल पर आना चाह रहे हैं वो उसका अपना स्टाइल है। कॉन्फिडेंस एक पर्सनालिटी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्या कहेंगे आप शुमाला? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, और हमने नोट किया कि अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती तो ये आपके अंदर कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है अप टू सम एक्सटेंट। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को जैसे देखा है, और ऑब्वियसली हम किसी को जो है वो पॉइंट ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंसान को अपने रिलीजन का एम्बेसडर हम ऐसे भी बन सकते हैं कि अपने आप को डिसेंट जो है हम दिखाएं। तो मैंने सईदा भी यही बात करी थी कि जिस तरह हम अपने आप को कैरी करते हैं तो वही चीज़ पोर्ट्रे होती है आगे। बिल्कुल, जैसे कुछ मैंने देखी है ऐसी एट ईयर सिस्टर्स भी के जो अमूमन इतनी बिजी होती हैं या नहीं टाइम मिल पाता या ध्यान भी इस तरफ नहीं जा पाता, यानी ऑब्वियसली हम कोई आ रहा है तो हम चाहते हैं ना कुकिंग सबसे बेहतरीन तरीके से करें या किसी को भेजें तो ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम जो हैं वो जब किसी से मिल रहे हैं तो हमारे पास से कोई ऐसी स्मेल ना आ रही हो, ऐसा ना हो कि कहीं निशानात कपड़ों पर पड़े हुए हों या कुछ ऐसा हमने पहना हो कि जो बहुत ही वेर्ड सा महसूस हो रहा हो ना, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अमन, मुझे तो ये लगता है कि हमारे दीन में भी मना किया गया है, सोफिया बच्ची आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, कि नमाज की हालत में भी आप ऐसे कपड़े ना पहने जो आप किसी और के सामने पहने तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, तो वो तो हम और पांच दफ़ा आपने नमाज पढ़नी है तो वो आपकी ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए कि रात के ड्रेस डिफरेंट है। कई लोग होते हैं वो स्लीपिंग सूट में स्टिल फिरते रहते हैं सारा दिन कि आज जॉब नहीं है बाहर नहीं जाना तो घर में उसी तरह का ऑल जलोल हुलिया वो, और या किचन में जो लिबास आप पहन रहे हैं वो आप उसमें ऑफ कोर्स वो जो कुकिंग करेंगे उसकी स्मेल भी आएगी तो आप वही बाहर पहन के जा रहे हैं और लोगों को ऑफ कोर्स लोगों से पुट ऑफ होंगे जी, तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों का ख्याल रखना। लेकिन एक चीज़, हाँ एक चीज़ थोड़ा सा ये बैड इम्पैक्ट हमारे यहाँ आया है टू बी ऑनेस्ट, के जब हम खवातीन ये देखती हैं कि यार हमने तो एक ऊपर से गाउन पहन लेना है, अंदर कुछ भी पहना हुआ हो, हमने अंदर कंघी की है कि नहीं की, हमारे हमारी बॉडी से कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, और बस हमने हमारा एक है ऊपर गाउन जो जैसे दिख रही है वो बस वो चीज़ें दिख रहा है, ये चीज़ ने हम पे एक बुरा इम्पैक्ट भी डाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने बगैर समझे की है। देखें
जो भी चीज़ करें, जो भी चीज़ उसकी बेस तो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए ना कि बेटा अगर हम कवर कर रहे हैं, अगर हमें कहा गया है कि हमें अपने आप को कवर करना है तो हमें कैसे कवर करना है, हमारी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला जी, होना चाहिए लिबास का। लेकिन मैं एक बात ये कहती हूँ, आप लोगों ने अब छेड़ा ही है तो ये, हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं और जब हम लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उन्होंने देखो सलवार कमीज पहनी होती है, वो भी ढंग की नहीं होती, किसी की छोटी होती है, लंबी हो तो फिर ही बंदा कहते हैं ना। तो ये चीज़ जो है मैं कितने लोगों को कहती हूँ, पाकिस्तान में भी लोगों को कहती हूँ, आप जाएं और हज और उम्रा जो लोग टिकट देते हैं, जो लोग वीज़ा देते हैं उनको कहो कि ये लोग अपने आप को कवर करके जाएं। यहाँ के और चीजों को तो छोड़ दो, जो लिबास हम लोग पहनते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, गए होंगे, देखा होगा कि वहाँ जिस वक्त हमारी औरतें होती हैं बस दुपट्टा ओढ़ा होता है, आम सा सलवार कमीज होती है, तो वो कैसे लगती है, वो वहाँ पे बहुत जरूरी है। आप लोग वहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए ये आवाज उठाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इसके साथ जो है हम ये बात कर रहे थे कि जैसे आपने बात की ना कि मशरक़ी और मग़रिबी ट्रेंड्स हमारे बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, लेकिन ये एक बात समझ में आती है और लोग डिस्कशंस करते हैं कि क्या कमीज़ सलवार ही, यानी फॉर एग्जांपल एशियन ड्रेसिंग या कोई अगर कुछ ऐसे कंट्रीज़ में रहा हुआ जहाँ पे अरबिक ड्रेसिंग हो या किसी और किस्म के कल्चरल से मुताबकत रखने वाली कोई ड्रेसिंग, तो यही क्या इस्लामिकली क्या हमें यही चीज़ मिलती है कि हमें इस तरह के लिबास को पहनना चाहिए कि या तो वो सिर्फ कमीज सलवार हो या वो जुब्बे हो या लंबे लंबी लंबे कोई मैक्सीज हो, क्या मिलता है? देखिए लिबास, अभी हमने जैसे शमाला बहन ने कहा कि लिबास का कोई वो नहीं है, कहीं कुरान में कहीं हदीस में कोई ये नहीं कहा गया कि बस ये जुब्बा ही पहनो या अबाया पहनो या कोई खास कलर पहनो, कहीं नहीं लिखा है। और हाँ, लेकिन ड्रेस कोड दिए गए हैं, मैंने कहा ना वो बाउंड्रीज हमें सेट की गई हैं, लिमिट्स हैं, लिमिट्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम लोगों ने समझे बगैर अपने ड्रेस कोड्स को हम अप्लाई कर लेते हैं, तो वो इन पांच चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी है अगर हम चीज़ कह रहे हैं। और देखें ये सिर्फ इस्लामिकली नहीं है, ये जो कोड है ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये कोड क्रिश्चियनिटी में भी है, यूनिवर्सल है, जितने भी मजाहब आए हैं उन सब में ये चीज मौजूद है। देखिए हमारे दीन के जो रूल्स हैं वो सब मंतकी एतबार से नेचर के उसूलों के मुताबिक हैं। अच्छा, वो कोड मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान और सभी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर देती हूँ। वो ये कि पहला कोड तो सबसे कि हमें अपने सतर को छुपाना है, मर्दों का सतर अलग है, अल्लाह ताला ने बताया हुआ है, उसी तरह ख्वातीन का सतर बताया हुआ है, अहादीस से हमें मिलता है कि हमारा चेहरा और हमारी हाथ, ये सिर्फ ये हाथ हमारे जो हैं ये हमारे सतर से बाहर हैं, बाकी हमारी सारी बॉडी हमारी सतर में शामिल होती है, जिसे कवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बाउंड्री, बाउंड्री वैल्यू हम बता रहे हैं, तो पहली ये बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो ड्रेस जो हम पहन रहे हैं वो फिटेड नहीं है, वो लूज़ इनफ हो, वो बहुत लूज भी ना हो कि उसमें बहुत सारे लोग समाज है कि वो हैजर्ड बन जाए और बहुत सारे लोग कई दफा अबाया एस्केलेटर में भी फंस जाता है। हाँ, हैजर्ड बन जाते हैं और नीचे भी गाड़ी के दरवाजे में फंस सकता है, बहुत सारी चीजें। ये आपने सही कहा कि हैजर्ड ना हो। तीसरी चीज ये कि वो सी थ्रू ना हो, आपने पहना तो है लेकिन वो लिबास है जो आपकी स्किन के कलर से मैच करता हुआ ना हो कि लगे कि नहीं पहना हुआ, हाँ वो स्किन कलर की ना हो और जो है मर्दों से मुशाबहत में ना हो। जी सूफी वजी, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद, और बड़ी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताई और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि हमें अपने यूथ में क्या ट्रेंड्स नज़र आते हैं और वालदैन जो हैं अपने बच्चों बच्चियों को या ख़ुद कैसे ट्रेंड्स जो हैं उनको उनके हवाले से बता सकते हैं। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपकी कॉल्स का हम वेट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने एक मौजू के हवाले से, बड़ा दिलचस्प जो है डिस्कशन जारी है हमारे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी कॉल्स करेंगे और अपनी कॉल्स के साथ अपने ओपिनियन को लेकर हमारे साथ शेयर करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ लिमिटेशंस की, और इससे पहले हमने बात की कि स्टाइल जो है हर एक पर्सनालिटी का अलग होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने स्टाइल पर। जी
आप क्या कह रही थी? कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल इन्होंने जैसे बात की कि भाई कॉन्फिडेंस, अगर आप अपीयरेंस वाइज अच्छे हैं और आप समझते हैं कि आप एक आपकी आपके अंदर कोई भी डिसबैलेंस चीज़ नहीं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी एबिलिटी की वजह से और आपकी अपीयरेंस की वजह से आ जाता है. और लेकिन अगर हम बात करें कि हम, हाँ, लेकिन हमारे पास अपीयरेंस के लिए एक लिमिटेशन है और हमें उसे बिल्कुल, क्योंकि हम मुसलमान हैं, जब हम मुसलमान हैं तो फिर हमें हर वो चीज़ को अपनाना है जो हमसे एक्सपेक्टेशन है अल्लाह ताला की. वो चीज़ आपकी पे हिफाजत के लिए भी है. हाँ, और उसमें आपका अपना फ़ायदा है इस दुनिया में रहते हुए भी. अगर मुझे भी, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, कोई भी ऐसा अहकाम अल्लाह का मुझे नज़र नहीं आया जो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो या कोई और किसी और के लिए हो. वो बेसिकली वो सब हमारे लिए होता है. मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रही थी कि वो जिन सज़ाएं, जिन चीज़ों की, जिन गुनाहों की सज़ाएं सख्त हैं, वो गुनाह हमारे लिए, खुद के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह, खुद के लिए. जैसे झूठ के लिए कितनी सख्त, अगर वो कही जाती है कि अगर इस्लामिक सोसाइटी है और सबको सबका हक मिल रहा है, तो अगर कोई उसके बावजूद कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाए, कितनी सख्त सजा है. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. आप जी, मैं उस्मा बात कर रही हूँ हेज से जी. और आपका जो ये सब टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जबरदस्त है. माशाल्लाह आजकल के यहाँ के कल्चर और चीजें, फैशन, मोडेस्टी, ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर यहाँ की यंग जनरेशन भी बहुत बात करती है और हम लोग खुद भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं जी. अब इसमें ये चीज आ जाती है कि देखिए कि अब हम एक तो चीज में पहले ये क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे जो हम बैक होम से जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया से लोग हैं, हमारे दिमाग में एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि शर्ट के कमीज, सलवार एंड दुपट्टा जो है, ये तीन चीजें जो है ये हमारा ड्रेस कोड है इस्लाम का. जबकि ये इस्लामिक ड्रेस कोड नहीं है, क्योंकि हम इसी के साथ, अभी एक खातून की मैं कॉल सुन रही थी कि जिन्होंने ये कहा कि जी हज के दौरान भी लोग ये ड्रेस को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इसको इस्लामिक ड्रेस कोड कंसिडर करते हैं, इसलिए वो इसको कर रहे हैं. अच्छा, अब हम उसके बाद बात करते हैं कि जी इस वक्त, और मेरा ये ख्याल है कि हर शख्स को बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए. उसे डेली, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन है, उसे डेली अपनी अपीयरेंस पे पूरी प्रॉपर उसे अटेंशन देनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए. हमने ये बहुत ज्यादा दिमाग में है कि शायद ये वर्किंग वुमेन है तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ये बहुत अच्छा सा जाएगी प्रेजेंटेबल, क्योंकि इसको जाके जॉब पे जाना है, काम करना है. लेकिन हमें अपना अपने आप को हम केयर नहीं करते, लेकिन हमें उसी तरीके से करना चाहिए. डेली हमें एक बाथ है, शावर है, अपने आप को प्रॉपर ड्रेस रखना चाहिए. अब उसके बाद ये कि अगर हम एक जॉब के लिए हम कहीं जा रहे हैं, कोई वर्किंग वुमेन है, कोई काम के लिए किसी, उसमें जब वो इस कल्चर में, क्योंकि एक ब्रिटिश कल्चर में हम मूव करते हैं, तो जब हम एक ब्रिटिश कल्चर में मूव कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो भी है. और हमारा इस्लामिक, हमें क्या कहा गया है, हमारे ऊपर क्या कुरान की आयात उतरी गई है, हमें किस तरीके से अपने आप को रखना है, वो सब चीजें हमें बहुत क्लियर हमें अपनी यंग यूथ को बतानी चाहिए. जैसे अगर मैं अगर कभी अपनी, जैसे अगर आप यंग जनरेशन से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी जिल्बाब जो है वो एक बहुत इजी वे निकाला हुआ है हमारी फीमेल्स ने, कि वो समझती हैं कि डिफरेंट कलर के हम जिल्बाब ले लेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा मेहनत करने की. कंपेयर टू कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें जो ड्रेस कोड दिया गया है कि जी हमें हेड कवर करना है, अपने चेस्ट को कवर करना है, हमें अपने बॉडी को लूज ड्रेसेस के साथ पहनना है, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम फिर डिफरेंट किस्म के कार्डिगन चीजें, फुल बॉडी कवर करने के लिए लॉन्ग शर्ट्स को ढूंढते फिरते हैं, फिर हम उसके साथ के हिजाब देखते हैं, हम वो इस तरीके से ड्रेस कोड पे हम मेहनत करते हैं. लेकिन जिल्बाब, क्योंकि कई जगह पे जैसे अगर वो है, अगर कोई बच्ची हॉस्पिटल में जॉब कर रही है तो उनसे तो जाके जिल्बाब उतरवा दिया जाता है कि जी आप जिल्बाब भी उतारिए, आप ये कीजिए, आपने ये कैप्स लगाने, क्योंकि आप थिएटर में इन नहीं हो सकते. और सेफ्टी रीजंस की वजह से जी, अब उन बच्चियों के पास क्या है कि वो उनको कोहनियों से भी ऊपर अपने हाथ रखने, वो वहां तक पहन ही नहीं सकती हैं. वो क्या क्या हम इस्लाम से अलग हो गए अगर हमने ये सब कुछ किया? क्योंकि ये यूथ हमारी हमसे पूछती है कि क्या मतलब है कि अगर हमने इस तरह से हमें करना पड़ता है तो क्या हमें आप उसमें शामिल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसको आपने एक समअप भी कर दिया. बिल्कुल, ये हमारे यूथ को ये चीज़ पहुंचनी चाहिए और बहुत शुरू से ही, जब बच्चियाँ 8-9 साल की हों उसी वक्त से हम उन्हें समझाना शुरू कर दें, उन्हें बताना चुने, उनके लिए ड्रेसेस उनको ऐसे ही डिज़ाइन करें या उनके लिए ड्रेसेस ऐसे ही ढूंढें या वो उनसे उनकी भी राय उसी में शामिल करें. तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेंड बन जाएगा कि हम अपने बच्चों को बेसिक बताएं कि ड्रेस कोड इस्लामिकली ड्रेस कोड क्या है. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही. मैं सईदा से भी पूछना चाहूँगी कि सईदा आप क्या कहेंगी? ओपिनियन ऑब्वियसली हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और उज़्मा जिन्होंने कॉल की उनका भी अपना एक ओपिनियन है. आप क्या कहना चाहेंगी?
کے حوالے سے؟ جی, انہوں نے جو کہا تھا ایک پوائنٹ مجھے بہت پسند آیا, انہوں نے سبھی اچھی باتیں کہی تھی. ایک پوائنٹ جو مجھے لگا ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے تو ہم سمجھ, جیسے بیسک جیسے ایجن ڈریسز ہو گئے موسٹ آف دیم, جیسے سلوار قمیض ہوتا ہے جو وہ بھی ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں, تو وی ڈونٹ وانٹ, مطلب ہم محنت کر کے لائک ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے یا پھر ڈفرینٹ تھنگس ٹرائی نہیں کرنا چاہتے کرٹیسزم کی وجہ سے, تو اس لیے ہم پھر یہ ہم کمفرٹ لیول کی وجہ سے بھی اپنا کمفرٹ زون ہے کہ ہم نکل کے ہم مارکیٹوں میں گھومنا نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے صوفیہ بھائی یا سعیدہ کہ اگر ہم کمفرٹ کی وجہ سے ٹائم سیو کرنے کی وجہ سے کوئی ایزی ڈریس چوز کرتے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کمفرٹ زون سے نکل کے کچھ اور نیا ٹرائی کرنا چاہیے. اسٹائل تو فیشن مطلب وہی ہے نا جو ہمارا خود کا اسٹائل ہوتا ہے, جو ہم جس چیز میں کمفرٹیبل ہیں, ہم جو اسلامک باؤنڈریز جو سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم جیسے بھی پہننا چاہیں پہن سکتے. بالکل, مجھے بھی ایک بات, میرے دماغ میں بھی ایک سوال آیا شمائرہ, اور وہ سوال یہ کہ ہم جو اگر دیکھیں ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ایک براٹ اپ ڈفرینٹ جگہ پر ہوا ہے, اور جیسے عظما نے بات کی کہ جو بچے ہیں جو یوتھ ہے اس کا براٹ اپ ڈفرینٹ جگہ پر ہو رہا ہے, تو اگر تو ہم جو بنیادی رول ہیں وہ نہیں سمجھتے, جو لمیٹیشنز جو باؤنڈریز ہیں ان کو سمجھے بغیر ہم کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم پہ کرٹیسائز کریں گے اور ہم ان پہ کرٹیسائز کریں گے, اور بیچ کا کوئی مڈل وے نہیں نکلے گا نا. تو اصل چیز مجھے لگتی ہے کہ شاید ہمیں پھر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کہاں تک اجازت ہے, کون سی چیز آپ کر سکتے ہیں. میں نے بات کی کہ آپریشن تھیٹر میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریزنز کی وجہ سے سرٹن لمیٹیشنز ہیں, سلیوز بھی ہاف رکھنے ہیں, جلباب نہیں پہننا, حجاب نہیں پہننا. تو نہیں, حجاب آپ پہن سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کو نا ایک ڈاکٹر کی جو کیپ ہوتی ہے وہ لینی ہوتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پروگرام کے سٹارٹ میں ایمن آپ نے کہا نا کہ نیت اس چیز کو بناتی ہے, ٹھیک. تو اگر آپ او ٹی میں ہیں تو آف کورس اس میں آپ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ آپ کسی کو سیکشولی اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس چیز کی اجازت نکل سکتی ہے, گنجائش بالکل نکل سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم یہ بھی ایک چیز, ایک پوائنٹ اور میں اکثر اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ اگر ہم ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ ہمیں دو راستے ہیں اور دونوں ایول ہیں, تو ہمیں لیس ایول کی طرف جانے کا ایک پھر ہم کوشش کریں کہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. ہم لوگ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اور جب لوگ آؤٹ آف دا وے جا کے, جیسے اگر ایشینز نے جیسے جو ان کا سلوار قمیض ہوتا ہے اگر یا جلباب ہوتا ہے اگر وہ پہنے بنا کچھ اور ٹرائی کر لیا, تو ان کو لگتا ہے کہ بالکل بہت سارے لوگ اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے کچھ جو ہیں اگر وہ ابایا اوڑھ ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہیں تو دے آر کانفیڈنٹ, اور اگر وہ فیس کور کر رہے ہیں تو کانفیڈنٹ ہیں, اگر وہ نہیں کور کر رہے تو کانفیڈنٹ ہیں. ان سب کے لیے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں بہت ساری, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کانفیڈنس اور اسٹائل ہر ایک کا اپنا, لیکن بیچ میں کون سا راستہ ہے؟ دیکھیے, ایمن اپیرنس سے کانفیڈنس کا تعلق اتنا نہیں ہے جتنا اس کی جو تربیت ہوتی ہوئی آئی ہے, اس کے پاس جو نالج ہے, ایبلٹی ہے, اور اس کو اپنی ایبلٹی شو کرنے کا, ایکسپریس کرنے کا, بہت اور بھی بہت اور بھی چیزیں ہیں. مطلب اس کو ایک الگ ٹاپک ہے پھر کہ کانفیڈنس میں اور کیا کیا چیزیں, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اگین, صرف اگر ہم کانفیڈنس کو اپیئرنس کے ساتھ جوڑ دیں تو میرے خیال سے مجھے یہ چیز مناسب نہیں لگتی, ایک فیکٹر کے طور پر لے کے آ سکتے ہیں. لیکن ہاں, لیکن اگر یہ فیکٹر بھی ہے کہ آپ کے پاس ایبلٹی بھی ہے, آپ کے پاس نالج بھی ہے, آپ کے پاس اس کو ایکسپریس کرنے کے آپ کو سارے موقع ملے, لیکن آپ اول جلول حلیے میں آپ باہر آ گئے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اپنے کپڑے یوں کھینچتے ہی رہیں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اپیئرنس بھی ایک امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک جس سے اپیئرنس کی وجہ سے آپ کی پرسنل انر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کی چینج ہوتی ہے, آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, لیکن ہم نے دوسرے فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو وہ تو اپیئرنس کی وجہ سمجھیں گے, آپ کی پرسنل فیلنگس اس کا اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے, لیکن اپیئرنس کا تعلق ہے. تو ہم اگر پریزنٹیبل نہیں ہوں گے, تو جس طرح اگر جاب انٹرویوز پہ کسی کریئر میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, تو جاب انٹرویو پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک اچھا زبردست حلیہ رکھنا پڑے گا, اپنا اپنی اپیئرنس اس طرح کی رکھنی پڑے گی. اچھا, یوتھ کے حوالے سے عظما نے بات کی اور بڑی ڈسکشن چلتی ہے, جن کے بچے بچیاں بڑے ہیں وہ تو آپ میرے خیال اس چیز سے گزرتی ہوں گی کہ ان کا بالکل ڈفرینٹ ویوز ہیں ان کے, اور الگ سوچنے کا ان کا اسٹائل ہے, ہمارا الگ اسٹائل ہے, لیکن سارے اسٹائل سارے سب چیزوں کے قطع نظر میں اپنے بچوں کو یہی بات کہتی ہوں, اور میں یوتھ کو پورا یہ بولتی ہوں کہ دیکھو, ہمارے پاس کوڈ ہے,
ड्रेस कोड हमारे पास है, और ये सिर्फ हमारे पास नहीं है बेटा, ये पूरी दुनिया में जितने भी मजाहब हैं सब के पास है। तुम नंस को देख लो, तुम ज्यूस के जो पॉप्स होते हैं उनको देख लो, वो क्या ड्रेस करते हैं, वही उनके लूज ड्रेसेस होते हैं, सी थ्रू नहीं होते, उनके ड्रेसेस पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं ना। लेकिन हम अगर इस चीज़ को सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो इस्लाम हैं, हम तो मुसलमान हैं, या हम उस ये सोच कर हम ये ड्रेस नहीं ले रहे, वो ड्रेस नहीं ले रहे, तो हम इसमें अपने आप को लेस कॉन्फिडेंस समझें या हम अपने इसमें शेम फील करें, ये चीज़ नहीं है। बात यह है कि हमें तो इस दुनिया को भी मुँह दिखाना है और आगे भी अगली दुनिया भी हमारे साथ हमारा वेट कर रही है, तो अब वो उसमें भी हमें हिसाब किताब देना है, अकाउंटेबिलिटी तो है ना हमारे ऊपर, तो उस अकाउंटेबिलिटी को भी तो सामने रखना है। अब इस पे देखो कि जो चीज़ फैशन में इन है, जो चीज़ ट्रेंड में है, जो चीज़ आजकल लोग पहन रहे हैं, उसमें तुमने वो अपना लिबास वो चुन करना है, वो चूज करना है जो तुम्हारे इस्लामिकली भी फिट हो। देखे ना कितने मैक्सीज आ रही हैं, खूबसूरत है, लेकिन अगर वही मैक्सीज आप स्लीवलेस ले लें तो आप तो नहीं पहन सकते ना, हमें लेकिन हम ऊपर से कुछ और चीज उस पर डाल के कुछ और कवर करके और हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल। शुमाइला आप एक बात कह रही थी प्रोग्राम से पहले कि जो चीज़ आपको सूट करे, कभी कभी आप जैसे शुरू में बात आई थी लिमिटेशंस के, इतना ज़्यादा रिवीलिंग ना हो या इतना फिटेड ना हो, आप क्या कहेंगी कि पर्सनालिटी को सूट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे समझ आएगा? पर्सनालिटी को सूट करने के हिसाब से अमन मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, वो सर्टन कलर्स को चूज़ करता है, वो उसको वही कलर्स पसंद आते हैं, ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली लिबास का मकसद जो एक मेरी समझ में आता है वो ये कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका आपका बिल्कुल जिस आपका वे ऑफ लाइफ है आप अपने लिबास से वो एक्सप्रेस करते हैं, और ये हर चीज़ में आप लोगों को देखें, लोग टैटूज बनाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो उस चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वो शो ऑफ करते हैं उस चीज़ को कि दैट्स हाउ आई एम, वो लोगों को ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो ये इंसान की पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है जो भी आपकी अपीयरेंस होती है, कि आपकी ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल क्या है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, और उसके अलावा आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, कुछ जैसे उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर कलर्स लोगों को पसंद होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी माशाल्लाह हम लोग सात बहनें और हम सात बहनों के पसंद अलग, किसी को ऑरेंज और ब्लैक इतना पसंद है कि उसके वार्डरोब इसी कलर से भरी हुई है, मुझे टील कलर पसंद है तो मेरी वार्डरोब उसी तरह से ब्लू कलर में या पिंक कलर में भरी हुई है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये मिजाज का हिस्सा है। एक सवाल किसी ने मुझसे किया कि आप ज़रूर इसको प्रोग्राम में बात कीजिएगा इस पर, कि जो आपका स्टाइल है अगर आप उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए किसी स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, तो आपको एट गेट से अगर उस पर कोई क्रिटिसिज्म होता है या आपको ये फील होता है कि नहीं लोगों से अलग मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि हमें उसको चेंज कर लेना चाहिए अपनी चीज़ को, या यानी दोबारा वापस आ जाना चाहिए? एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमन, मैं अफशान बात कर रही हूँ। जी अफशान, क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, तो मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाह रही थी कि बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोगों का चल रहा है, तो बस मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि एज अ मुस्लिम अगर हम हमारी बॉडी पूरी कवर होती है और हमारी फिगर रिवील नहीं होती, तो हम फिर जो चाहे पहन सकते हैं ना इस तरीके से, जैसे मैं अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा ड्रेस कोड क्या है जी, तो फिर हम इसी हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे ड्रेसेस हैं, जैसे अभी मैक्सी की बात की थी इन्होंने कि अगर स्लीव लेस है तो हम अपर पहन सकते हैं उसके ऊपर, तो इस तरीके से हम अल्टर कर सकते हैं चीजें और अपने आप मॉडेस्टी और मतलब अच्छे भी लग सकते हैं और फैशन को भी मतलब स्टाइल और मॉडेस्टी साथ लेकर चल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफशान आपके कॉल करने का, इनका भी एक अपना ओपिनियन था और मुझे लग रहा है कि ये भी बात यहाँ पर हम ज़रूर तस्करा कर दें कि कोई भी डेफिनेट ओपिनियन जो है वो हम इस मौजू पर नहीं दे सकते, इसलिए कि हर एक का अपना एक स्टाइल है। आप क्या कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि इफ़ यू आस्क मी, मैं खुद मेरा स्टाइल चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो पसंद है, मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ और मैं अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम, अगर मैं वो कर रही हूँ और फिर भी मुझे क्रिटिसिज्म मिल रही है तो आई एम नॉट गोना टेक इट सीरियसली, आई एम गोना लाइक टेल देम कि मैं उनको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि देखें मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही, बट यू हैव योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन ओके फाइन आई एम लिसनिंग टू इट, बट देन आपने अगर कुछ कहा है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी ना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैं क्यों ऐसे ड्रेस कर रही हूं। सईदा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی السلام علیکم سسٹر, میں شازی بات کر رہی ہوں گوتم سٹور سے. آئی ایم ایکچولی سوری برٹش بورن ہوں, میں یہاں کی پیداوار ہوں ان شاء اللہ. تو یہ میں نے دیکھا ہے, اٹس جسٹ این آبزرویشن بیسکلی, میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو عورتیں یہاں کی بون ہیں they're more modest than the women who come from abroad. اور وہ جب آتی ہیں, I think they're a bit more conscious about the way they dress. And sometimes I just find they abuse the dress code more than the women from this country. And it gets to a point where it's a bit embarrassing when watching them and looking at them. You think, I mean, do they know what hijab is? Some women will wear it one day and the next day will be completely off. You won't recognize her. I'm just thinking, is it something to do with the confidence people have, how they want to appear out there to the other people? I think we should really take this seriously. It's very important because I've been watching the change for about 25 years, and I've seen the change in the you know, in the people, and it's, I feel sorry for our children because we are not setting them a good example. So I've been watching your program from the beginning, and I wanted to say something because I think it's very important, this topic. And it's probably one of the reasons of the fitna of today, the way the women dress. And if we knew the reason for what hijab is, I don't think there would be so much. It's a very important question, and I think we all should think about what we wear before we leave our front door and how we appear to the other person. Because to be honest, if we're doing a hijab and we choose to do hijab, we are giving the non-Muslims a dawah. And we should be a walking, talking dawah, not a walking, talking joker for them. And like I said, what I see in schools and around me is so, it just makes me, you know, really upset. Because like I said, our new generation, our children are following this, looking at this, and they think it's a joke as well. So, you know, I just really feel strongly about this topic. And I'm glad, you made this a subject for today. And I just hope that, you know, so all us women just really think about how we dress. بہت شکریہ آپ کا, ایکسلنٹ پوائنٹس آپ نے جو ہیں وہ یہاں پر ریز کیے ہیں, اور ہم اس پر بات کریں گے. اپنا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ شمائلہ؟ جی ایمن, مجھے لگتا ہے کہ ایک جو میں فیل کرتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ جو فیشن ہے, جو ٹرینڈس جو ماڈرن سوسائٹی نے ہمیں دیے ہیں, کہ وہ کس سورس سے آ رہے ہیں, وہ بیسکلی آ کہاں سے رہے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے اگر آپ ہیلدی ایٹنگ کی بات کریں تو سب اس بات پہ اگری کریں گے کہ ہمیں ہیلدی کھانا کھانا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر آپ کو جنک فوڈ نظر آئے گا ہر طرف, کیونکہ جو لوگ جنک فوڈ بنا رہے ہیں وہ انہوں نے وہ سیل کرنا اور پیسے کمانا ہے. اسی طرح فیشن کے لحاظ سے بھی وہ سب ڈریسز ڈیزائن کرتے ہیں, تو ان کو کوئی بائر تو چاہیے, تو وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اس طرح کے, تو تاکہ وہ لوگ اس کو فالو کریں اور وہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو وہ فیشن شوز کرواتے ہیں, پھر اس طریقے سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں, ایڈز دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کی بھرمار آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے. لیکن آپ نے جیسا سیدہ سے بھی کوسچن کیا کہ آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے, یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کی اپنی ویلیوز کیا ہیں, اور پھر آپ اس سوسائٹی اس پریشر سے اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہیں. بالکل, جیسے آپ نے صوفیہ بجی شروع میں بات کی کہ کبھی کبھی ہم وہ ٹرینڈ یا فیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو فیشن سمجھ کر کے, جس کو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز یا کیوں یہ ہم نے کرنا ہے یا سوٹ کر رہا ہے, جیسے ایک ہے نا کہ پرسنالٹی کو سوٹ کر رہا ہے. انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں, ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, اور ماشاء اللہ سے یو کے میں تو تمام لوگ جو بھی مائگریٹ کر کے آتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بعض دفعہ کہ وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے بیہائنڈ کیا ریزن ہے. بس وہ چیز اچھی لگی وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی, لیکن اس کے ریزن کے پیچھے بھی جانا چاہیے کہ وہ چیزیں کیوں مارکیٹ میں ان ہیں, کیوں کیا ہو رہا ہے, اور ہم نے کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, یا کن بیسس پہ ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے اور کن بیسس پہ ہمیں اسے نہیں اڈاپٹ کرنا ہے. یہ بہت میجر چیز ہے جو ہمیں اپنی یوتھ کو بھی, نہ صرف یوتھ کو بلکہ اس کنٹری میں آنے والے انڈیا پاکستان سے جو بھی مسلمان آ رہے ہیں انہیں بھی یہ چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کوئی بھی چیز اگر ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے. اچھا, اس پر جائے بغیر کہ کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے اور کس کا کیا طریقہ ہے, جو لیک آف کانفیڈنس کی انہوں نے بات کی کہ کبھی کبھی ہم جو ہیں وہ کچھ چیزیں اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی پہ کانفیڈنٹ اتنے نہیں ہوتے. کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک کبھی ہم فیشن اس لیے ہی, جیسے دوسروں کا اسٹائل اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہی صحیح ہے, لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں,
अगर उसमें हम कंफर्टेबल फील ना भी करें तो हम वैसे ही ड्रेस करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यही सही है और अब जो ट्रेंड चल रहा है यही लोग पसंद करेंगे जी. तो हम वो तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन दैट. आई मीन जब आप कंफर्टेबल नहीं फील करते जो उसमें आप ड्रेस कर रहे हो तो यू हैव टू शो इट टू समवन. कॉन्फिडेंस जेन्युइन नहीं है, इजंट इट? वो फेक कॉन्फिडेंस. और इसीलिए जैसे इन सिस्टर ने भी बात की कि जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने स्टाइल पर तो आप उसको फिर हर दूसरे दिन आप चेंज कर सकते हैं. मतलब हो सकता है कभी आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिजाब करता है तो उसने अगले दिन सोचा कि नहीं आज मैं डिफरेंट तरीके से अच्छा लग रहा हूँ और फिर नेक्स्ट डे उसने सोचा कि मैं डिफरेंट तरीके से अच्छा लग रहा हूँ. कह रही हूँ कि इसको आप ये ना कहें बल्कि ये हो सकता है इमन जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि एक दिन वो हिजाब पहन रही है एक दिन वो हिजाब नहीं पहन रही है. ठीक है, ये चीज़ हमने भी ऑब्जर्व की है, हमारे आसपास भी चीज़ें होती हैं. ये वो चीज़ नहीं है. हम जो बात कर रहे हैं कि हम ड्यूरिंग द बाउंड्री हम चेंज कर सकते हैं. एक दिन हमने कुछ पहन लिया, एक दिन हमने कुछ पहन लिया, बट अगेन द ड्रेस कोड क्या है हमारा, पांच जो बातें हमें उसको मेक श्योर करना है. बिल्कुल. लेकिन समटाइम्स हमें ऑफ कोर्स बुरा लगता है कि अगर हमारी कोई सिस्टर जो हिजाब कर रही हैं लेकिन किसी और दिन वो नहीं हिजाब कर रही, या समटाइम्स हम अबाया पहनते हैं हेड कवर करते हैं लेकिन कोई शादी का फंक्शन आता है तो हम बाल स्टाइल बनाकर और एवरीथिंग करके हम उसको अटेंड करना चाहते हैं. हो सकता है अगर वो सिर्फ सेपरेटेड और सेग्रेटेड है जी तो हो सकता है. क्या हमें अप टू सम एक्सटेंट जजमेंट. मुझे ये कहना था कि मुझे ये फील होता है कि जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल अब नमाज पढ़ी है और कभी नहीं भी पढ़ी फॉर एग्जाम्पल मिस हो गई है नमाज तो उस चीज़ में हम उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी को. लेकिन अगर किसी ने हिजाब पहना या उतारा है तो वो बहुत ज़्यादा हमें चीज़ कभी कभी हम जज. क्योंकि नमाज नॉर्मली मेरा ख्याल से नमाज सिर्फ ये आपकी और अल्लाह के दरमियान होती है और हिजाब या कोई अपेरेंस से रिलेटेड चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे लोग भी इसमें अफेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा मेरा. बिल्कुल. अच्छा, आखिर में आप सब जो है कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम का क्या मैसेज जाना चाहिए? सही, मेरे ख्याल से हम फैशन मतलब हम कुछ भी पहन सकते हैं, जो भी करना है जैसे भी पहनना है, एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आपका जो कंफर्ट जोन है आप उसी में रह के वो वैसे ही जैसे भी आप अपना एक स्टाइल अपनाएं या चेंज करते रहें, एवरीथिंग इज़ ओके. बट एज लॉन्ग एज इट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम आई थिंक यू कैन डू. इतना बहुत है आपको मतलब ट्राई करने के लिए. बहुत शुक्रिया सईदा जी. मैं सईदा को सेकेंड करूँगी सईदा की बात को कि बिल्कुल आप कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे आप वेस्टर्न पहने चाहे आप वेस्टर्न पहने, बट मेक श्योर करें कि वो बाउंड्रीज के अंदर हैं. जो हमने पांच बाउंड्रीज आपको बताई वो उसके अंदर हो. जी, आप कह रहे हैं. I mean, मैं ये फील करती हूँ कि बीइंग वुमेन सजना संवरना हमारा हक है और वो चीज़ हमें खुशी देती है. ठीक है, तो इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर रह कर अगर हम इन चीज़ों के अडॉप्ट करते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है. ठीक है. और एक चीज़ अगर कोई और कहना चाहे इस पर कि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इंटेंशन आपकी क्या है कि आप. जी देखें, कॉन्फिडेंस तो जब आप दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, यूनिवर्स की ताकत, जब आपने उसको सामने रखा कि वो मुझसे प्लीज़ हो जाए तो दुनिया जहान का कॉन्फिडेंस आपके पास होता है. आप पूरी दुनिया को आप जो है ना वो जेर कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने क्योंकि वो आपके साथ है. जब वो साथ है और उसको मैंने प्लीज करना है, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं हो. वो मुझसे जो है, और अल्लाह ताला कैसे नाराज़ होता है ये भी बता देता है. बिल्कुल, वो भी शो कर देता है. बहुत शुक्रिया आपका सूफिया शुमाइला और सईदा. और नाज़रीन, हमने यहाँ पर आज बात की है इस प्रोग्राम का जो टॉपिक था हमारा फैशन कल्चर एंड मॉडेस्टी, और इस पर बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन आए हैं और इंसान की यही खसूसियत है, इंसान की यही मुनफरद अंदाज़ है उसका कि हर एक का एक अलग सोचने का अंदाज़ होता है, हर एक एक अलग तरीके से काम करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है. लेकिन अपनी इंटेंशंस को जब हम क्लियर रखते हैं, अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई रखते हैं और अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे मज़हब ने और हमारे रिलीजन ने हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी दी है. आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं और प्रोग्राम्स में कॉल के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं. साथ में हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते रहेंगे और देखते रहेंगे. अब आपसे इजाज़त चाहते हैं हम. अल्लाह हाफ़िज़.